अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन। ये कंपैरिजन किसके दरमियान होगा? तो ये कंपैरिजन है बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि हम अपने ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर जो है वो प्रोक्रियोटिक और यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में कि उन दोनों के अंदर डिफरेंस एक्चुअली है क्या। तो इन दोनों जो ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस हैं इनके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे डिफरेंस हैं जिनको हम आज एक कंपैरिजन में जो हम डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली, कंपैरिजन जो आता है फाइनल के अंदर, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो ये फुल डिटेल आपको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ट्रांसलेशन भी हो, इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स साइमल्टेनियसली। तो ये जो सारा पोर्शन होगा इस साइड वाला, ये प्रोक्रियोट का है, और ये जो सारा एरिया होगा ये सारा जो है वो यूकेरियोटिक होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होती है वो प्रोक्रियोट के अंदर साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ परफॉर्म होती है, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होती है वो एक साथ नहीं होती है। इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है प्रोक्रियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और वाइल यूकेरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ट्रांसलेशन जो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। थर्ड में क्या होता है कि आरएनए जो हैं वो रिलीज्ड होते हैं एंड प्रोसेस्ड इन साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं यहाँ पे, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर उनकी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन जो यूकेरियोट्स होते हैं वहाँ पर आरएनए जब रिलीज़ होते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग न्यूक्लियस के अंदर ही होती है इंस्टेड ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि आरएनए पॉलीमरेज जो हैं वो कम्प्लेक्स होता है 5 पॉलीपेप्टाइड्स का प्रोक्रियोट्स के अंदर, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 10-15 पॉलीपेप्टाइड्स का कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका कंपैरिजन है। उसके बाद है कि प्रोक्रियोट्स के अंदर जो है कोई भी अल्फा या सिग्मा फैक्टर जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है, लेकिन यूकेरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, टू मैनी फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आपको रिक्वायर होते हैं। या आपने अगर मेरी वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे अगर आप विजिट करें मेरे, तो वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स और प्रोक्रियोट्स मिल जाएगी, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि प्रोक्रियोट्स के अंदर जब सिंपल जो है कोई हमारे पास सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप यूकेरियोट्स में देखें तो वहाँ पे बहुत सारे हमें जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो रिक्वायर थे। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनिशिएशन मशीनरी जो होती है वो बहुत सिंपल होती है। डीएनए जो है उसके साथ, डीएनए इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए के अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएशन नहीं होती। लेकिन अगर हम यूकेरियोट्स में देखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है जो इनिशिएशन मशीनरी थी वो बहुत ही कम्प्लेक्स थी। ठीक है भाई, कम्प्लेक्स थी सिंस जेनेटिक मटेरियल जो है वो एसोसिएटेड था प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, वहाँ पर एसोसिएशन नहीं थी, लेकिन जहाँ पर एसोसिएशन प्रेजेंट थी। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपेरिजन जो है वो देखते हैं कि ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन सेल। अच्छा जी, क्या था हमारे पास कि हमने देखा प्रोक्रियोट्स के अंदर, प्रोक्रियोट्स के अंदर क्या था कि सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज जो है वो उसकी टाइप थी जो सारे टाइप ऑफ आरएनए जो है उनकी सिंथेसिस करते हैं, मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोमल हो, या फिर ट्रांसफर आरएनए हो, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की तीनों टाइप्स होती हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वन जो है आरएनए पॉलीमरेज वन जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, टाइप टू जो होती है वो मैसेंजर आरएनए बनाती है, और टाइप थ्री जो होती है वो ट्रांसफर आरएनए बनाती है, और 5S राइबोसोमल सिंथेसिस करती है। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये तीनों टाइप्स जो होती हैं ये एक दूसरे का काम करें, बिल्कुल भी नहीं। ये सारे जो हैं हर टाइप जो है अपने टाइप ऑफ राइबोसोम मैसेंजर आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस करती हैं, और अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक नहीं है तो वो सिंथेसिस इनकम्प्लीट रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रोक्रियोट्स के अंदर क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसके 5 सब यूनिट्स होते हैं।